नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। हम या आप किसी रेस्टोरेंट पे इस भरोसे के साथ जाते हैं कि वहां शुद्ध खाना और पानी मिलेगा, लेकिन जब शायद हमें ये पता नहीं होता कि वहां हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा ही एक मामला खंडवा में सामने आया है, जहां मनेंद्रगढ़ में युवाओं के भविष्य पर ताला लग गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ रोजगार कार्यालय में हमेशा ताला लटका रहता है और कर्मचारी गायब ही रहते हैं। आज ग्राउंड जीरो में इसी दोनों मुद्दों को लेकर होगी पड़ताल। और हमारे साथ खंडवा से संवाददाता अमित जायसवाल और मनेंद्रगढ़ से सुजीत शाह जुड़ गए हैं, जिनसे हम हकीकत जानेंगे ग्राउंड जीरो से कि आखिरकार ऐसे हालात क्यों बने हैं। अब सीधे बात करेंगे खंडवा की, जहां खंडवा में खाद्य औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रेस्टोरेंट पे और पानी की कंपनी पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां मौके से खाद्य विभाग की टीम ने 4,330 पानी की बोतलों को जब्त किया। यहां ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया था और मिलते जुलते नाम से पानी की बोतल बेची जा रही थी और ग्राहकों से ब्रांडेड कंपनी के नाम पर धोखा हो रहा था। वहीं ओंकारेश्वर रेस्टोरेंट की किचन में भारी गंदगी मिली है। यहां गंदगी के बीच खाना बनाया जा रहा था। ऐसे सवाल ये उठता है कि लोग विश्वास के साथ इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, लेकिन वहां उनकी सेहत से किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में सामने आया है। ब्रांडेड कंपनियों से मिलते जुलते नामों की पानी की बैक्ड बोतल पकड़ी गई है और इस पर कार्रवाई भी की गई है खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा। किस तरह से सूचना मिल रही थी और क्या कार्रवाई की गई है? ओमकारेश्वर से इस तरीके की सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही थी कि जो देश के जाने माने ब्रांड्स हैं, उनकी डुप्लीकेट कॉपी उनके नामों से उनको बिलसेरी या बिस्टेरी इस तरीके की बॉटलें जो हैं उनको पकड़ा दी जाती हैं। और जब गाड़ी में आदमी चला जाता है तो अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस करता है। कई लोगों के स्वास्थ्य खराब होने की भी सूचना प्राप्त हो रही थी और उसी तारतम्य में जो है कल ओंकारेश्वर में जाके इसमें एक बड़ी कार्रवाई की गई, जहाँ से 86,400 रुपये मूल्य की बॉटलें जो हैं जब्त की गई हैं और श्रीजी मार्केटिंग नामक फर्म के ऊपर ये कार्रवाई की गई। क्या ये एक अकेली फर्म है या और भी कुछ जगह पर इस तरह अभी काम हो सकता है? गोपनीय सूत्रों से और जानकारी निकाली है, इस तरीके के मिलते जुलते ब्रांड्स और भी आ रहे हैं और उनके ऊपर भी अभी लगातार जो है कार्रवाई की जाएगी। जब ब्रांड के नाम का उपयोग कर लोगों को भ्रमित किया जाता है और अमानक स्तर की जो खाद्य सामग्री है या पीने का पानी है वो थमा दिया जाता है। अमित जायसवाल, News18 खंडवा। तो देखा आपने किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ धोखा हो रहा है। और जाहिर सी बात है, लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं, कई बार सामान खरीद लेते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि वो ठगे जा चुके हैं और वापस आने का कोई जरिया फिलहाल होता नहीं, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में कई बार लोग रहते हैं। सीधे रुख करेंगे, खंडवा से संवाददाता अमित जायसवाल जुड़ गया। अमित, ये स्थितियां कई बार बनती है, लोग सफर के लिए निकलते हैं, खासतौर पर गर्मी में तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ओंकारेश्वर के दर्शन करने के लिए जब जाते हैं तो लोग खाने पीने का इंतजाम ज्यादा लंबी दूरी पर नहीं ले जा सकते हैं और इसलिए आसपास के जितने भी होटल हैं, जाहिर सी बात है कि वहां खाना खाने के लिए भी बैठते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि जिस खाने को वो खा रहे हैं वो शुद्ध है, वो गुणवत्ताहीन है, गुणवत्ता विहीन है, उसकी असलियत क्या है, कोई जानकारी। खाद्य विभाग ने जब कार्रवाई करने पहुंची तो कैसी अव्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिली है रेस्टोरेंट में? जी बिल्कुल, ये जो रेस्टोरेंट है, काफ़ी नाम है इन रेस्टोरेंट्स का और यहाँ देश भर के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु आते हैं और जब वो श्रद्धालु यहाँ विश्वास के साथ खाना खाने के लिए जाते हैं तो उन्हें बाहर तो अच्छा चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिखाई जाती है, लेकिन जब टीम किचन के अंदर तक पहुँची तो वहाँ अव्यवस्था मिली, गंदगी का भरमार मिला। इसके अलावा जब एक अन्य जगह पर गए तो वहाँ जो ब्रांड है उसके नाम की जो पैक्ड बॉटल है उससे मिलते जुलते नाम की उसका एक जखीरा मिला है और इस तरह से उसके सैंपल लिए गए हैं, उसकी भी जांच कराई जाएगी। ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है इसके बाद कई सवाल उठते हैं कि हम ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां भीड़भाड़ अधिक होती है या तेजी से आवागमन होता है जाना और आना, उस जगह पर इस तरह की चीजें होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस तरह की चीजों को लेकर? कल एक जो ओंकारेश्वर में जो कार्रवाई हुई, ऐसा लगता है लंबे समय से प्रतीक्षित रही होगी है समझदार लोगों की दृष्टि में। हमारे यहाँ पर अमानक स्तर की चीज़ें खाने की बिकने का एक लंबा इतिहास है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और यदि कोई कार्रवाई अधिकारी करने जाते हैं तो प्राय प्राय नेता लोगों का हस्तक्षेप हो जाता है, किसी भी छुटभैया नेता को पकड़ के वो सांसद विधायक के पास पहुँच जाते हैं,
कि अधिकारी खाद्य विभाग का हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, प्रशासन हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है और इसका पूरा फायदा जो है मिलावटखोरों को मिल रहा है। हम इतने शर्म की बात है कि मिलते जुलते नाम भी रखे जा रहे हैं बड़े ब्रांड के, चाहे वो पानी हो, बिस्किट हो या चॉकलेट्स हो, और दूसरी चीज़ें और खाने पीने की चीज़ें जो पूरी तरीके से खुली बिक रही हैं, फल जैसी चीज़ें, सड़े हुए फल बिक रहे हैं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। डुप्लीकेट चीज़ें और जो एक पैक्ड चीज़ के ऊपर बनाने वाले का जो अता पता होना चाहिए और पैक चीज़ के ऊपर उसकी मात्रा, निर्माण की तिथि ये होना चाहिए, ये यदि आदमी नहीं लिखे तो इसके ऊपर दंड भी बहुत थोड़ा है। तो मुझे लगता है कि इस सब का मिलावटखोर और इस तरीके के जो माफिया है जिसको हम खाद्य माफिया बोलेंगे, ये इसका पूरा लाभ ले रहे हैं और इस कानून में सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल पूरा लाभ ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कार्रवाइयां तेजी से होनी चाहिए और ज्यादा होनी चाहिए? पहली चीज तो जो ये भी जो कल कार्रवाई हुई तो वो बहुत लंबे समय से चले आ रहे थे, तो इसका मैं पूरा दायित्व दूंगा उन अधिकारियों को जो लंबे समय से यहाँ टिके हुए भी है और उनकी जानकारी में भी है। जैसे यहाँ देशी घी बिकता है, डुप्लीकेट ब्रांडेड कंपनियों का बिस्किट बिकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो ये मिली जुली सरकार है। खाद्य अधिकारियों को हमारे साथ जो खिलवाड़ हो रहा है प्रोडक्टों से, जो डुप्लीकेट खा रहे हैं, पैसा ओरिजिनल का दे रहे हैं, हमारे शरीर के साथ नुकसान हो रहा है। आजकल हार्ट अटैक में आपने देखा युवाओं की जान जा रही है, तो इसका पूरा पूरा ब्लेम दूंगा मैं प्रशासन शासन को जिन्होंने कानून कमजोर करके रखा हुआ है। एवं मैं ये बोलना चाहूँगा खाद्य अधिकारी को कि समय समय पर अगर आप जांच करते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती, ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती कि बड़े बड़े जखीरे पकड़ा है। लेकिन होता क्या है कि अधिकारी आज जाते हैं, एक महीने बाद पैसा देके वापस आते हैं, सारे दुकानदारों से उनकी ट्यूनिंग सारे महीने बंधे हुए हैं, तो उस कारण जैसे मैं 2 नंबर का काम कर रहा हूँ तो मैं आपको महीना दे रहा हूँ तो मैं बेखौफ होकर काम करूँगा। बिल्कुल मिला जुला भी है, सेहत से बड़ा खिलवाड़ है। सर पहली बात तो हम देखेंगे कि सेहत आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी सेहत से इस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हम देखेंगे कि दूध में इस प्रकार से मिलावट है कि पशुओं का दूध नहीं आ रहा है, ना ही सोयाबीन से प्रोडक्ट से बना हुआ दूध आ रहा है, इस तरीके से केमिकल का दूध भी मार्केट में उपलब्ध हो रहा है। हम देखेंगे खाद सामग्री के रूप में घी भी डुप्लीकेट है और अन्य सामग्री खुले पैकेजिंग में बिक रही है, जो कि एक सेहत से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हम चाहेंगे प्रशासन सरकार से कि नियमबद्ध तरीके से हर महीने हर हफ्ते कुछ मॉनिटरिंग ऐसी की जाए कि इन चीज़ों को प्रतिबंध लगे और सख्त कार्रवाई है जिससे इंसानों के हेल्थ पे प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है। आपको क्या लग रहा है, ज़्यादा मिलावटखोरी बड़ी है और ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है? बिल्कुल ये जो तमाम शिकायतें हैं, ऐसा लग रहा है मानिए कि काफ़ी समय से परेशान हैं और लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक युवक ने कहा भी कि भाई छुटभैये नेताओं को ले जाकर शिकायत दर्ज करवा दी जाती है, जिसके बाद जो कार्रवाई करने टीम पहुंचती है वो उचित कार्रवाई नहीं कर पाती जो असल में की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए अमित, और आप लगातार जुड़े रहिए। आगे बात करेंगे जहां पर छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में रोजगार कार्यालय पर ताला लटका है, रोजगार की आस में यहां युवक कार्यालय खुलने का घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन जब ताला नहीं खुला, कलेक्टर ऑफिस से थोड़ी ही दूरी पर यह रोजगार ऑफिस है, यहां जिले के दूर दराज से वनांचल इलाकों से युवा पहुंचते हैं, 160 किलोमीटर दूर कटडोला से बेरोजगार रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे, लेकिन यहां ताला लटका मिला और निराश होकर घर लौटने के लिए युवा मजबूर नजर आए। ये देखिए तस्वीरें आप, मनेंद्रगढ़ की है जहां रोजगार कार्यालय में ताला लटका हुआ है और मजबूरी ऐसी कि घंटों इंतजार करने के बाद जब रोजगार कार्यालय का ताला नहीं खुला तो युवक वापस जाने के लिए मजबूर हो गए। निराशा हाथ लगी, कलेक्ट्रेट के ठीक थोड़ी ही दूरी पर ये ऑफिस है जहां पर ताला लटका हुआ है। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर ये रोजगार कार्यालय है और जनकपुर से दूर दराज लगभग 110 किलोमीटर साथ ही 150 किलोमीटर लगभग सफर तय करके यहाँ पे युवा यहाँ पहुँचे हैं रोजगार कार्यालय पंजीयन में, और देख सकते हैं किस तरह से जो ये ताला लगा हुआ है कार्यालय में। समझ सकते हैं कि विभागीय लापरवाही, स्थानीय प्रशासन किस तरह लापरवाही है कि विभाग में ताला बंद है। हमारे साथ कुछ युवा किस क्या काम से आए थे और कहाँ से आए हैं? हम लोग आरा से आए हैं, पंजीयन कराना था। तो यहाँ आए कब से बैठे हैं आप लोग? 1 घंटा हो गया। देख सकते हैं 1 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि ताला खुले विभाग का और जिसके बाद इनका काम हो सके। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं भरतपुर से हूँ। तो क्या काम है यहाँ पे? मेरे को पंजीयन में थोड़ी गड़बड़ी आ रही है ऑनलाइन कराने में, तो जानकारी लेना था। तो ये ताला बंद आप कैसे करेंगे? आप लोग खड़े हैं, ना हो पाएगा तो चले जाएंगे, फिर भरतपुर चले जाएंगे, भरतपुर से आए हैं। कितनी दूरी है घर की?
घर मेरा भरतपुर से भी क्या बोलते हैं आगे कोटा डोल तरफ से का लड़का हूँ मैं। देख सकते हैं कोटा डोल लगभग यहाँ से 160 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पे युवा पहुंचे हैं, लेकिन जो है यहाँ से महज कुछ दूरी पर कलेक्टेड ऑफिस है जो जिला प्रशासन यहाँ पे जिला के मुख्यालय में है, ये स्थित कार्यालय। और देख सकते हैं कैसे ये ताला बंद है और यहाँ पे युवा जो है रोजगार कार्यालय पंजीयन में वह यहाँ पे काम कराने हैं जिनका नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही, स्थानीय प्रशासन की मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण जो है विभाग में ताला बंद है। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। मजबूरी समझिए, बेबसी समझिए, लोग आते हैं घंटों इंतजार करते हैं वापस चले जाते हैं और कहते हैं कि हम फिर से आएंगे शायद उनका काम हो जाए। सिद्धू करेंगे, मनेंद्रगढ़ से संवाददाता सुजीत शाह जुड़ गए हैं। सुजीत, क्या ये सातों दिन ताला लगा रहता है, मानिए एक दिन तो छुट्टी रहती है, क्या ये हमेशा ताला लगा रहता है, कभी खुलता भी है दफ्तर? क्योंकि अगर रोज इस तरीके से बेरोजगार युवक आएंगे पंजीयन करवाने के लिए और वापस जाएंगे तो जाहिर सी बात एक निराशा भी हाथ लगती है, दुखी होता है मन कि कब तक रोजगार कार्यालय के चक्कर काटे जाएं। लोगों से बात भी करिए, कैसी कैसी परेशानियां होती हैं, क्या कभी ताला खुला मिला है? क्योंकि ये ताला सिर्फ रोजगार कार्यालय में नहीं है, युवाओं के भविष्य पर भी है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो रोजगार कार्यालय है कलेक्टर कार्यालय से महज कुछ दूरी पर है, ऐसे में वहां से कलेक्टर जो है और जिले के तमाम अधिकारी जो है वहां वहीं से गुजरते हैं, उस कार्यालय से होते हुए गुजरते हैं। ऐसे में रोजगार कार्यालय का जो ताला बंद था और दूर दराज जनकपुर भरतपुर कोटाडोल इलाके से जो युवा आए हुए थे कहीं ना कहीं एक उम्मीद और विश्वास से यहाँ आए हुए थे ताकि उनका जो काम है पंजीयन संबंधित, जो रोजगार संबंधित काम है उनका हो सके, लेकिन ताला बंद होने के बाद जो रोजगार जो पंजीयन कार्यालय ताला बंद होने के कारण जो युवा है वो निराश होते हैं, घंटों इंतजार करना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि 160 किलोमीटर सफर तय कर जो युवा पहुंचते हैं रोजगार कार्यालय और बंद होने के बाद घंटों इंतजार करते हैं, ऐसे में उनकी मानसिकता कैसे होगी? हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सीधा कैसे देखते हैं आज जो है रोजगार कार्यालय पंजीयन जो ताला बंद था, घंटों इंतजार करना पड़ा युवा को? देखिए, जो हम अपने स्तर पर हम लोगों ने जानकारी इकट्ठे की है कि यहाँ के जो कर्मचारी लोगों को जिला रोजगार अधिकारी ने उनको सबको यहां से बुला लिया, एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है। पहली बार मैंने से देखा एक ऐसा अधिकारी जो एक चपरासी क्लर्क से लेके एक अधिकारी लोगों को अपने एक मीटिंग के बहाने या फिर किसी जानकारी लेने के बहाने में ऑफिस बंद करने की घटना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। जिस प्रकार अभी आप बोल रहे थे कि 160 किलोमीटर दूर से यहां पर लोग आए थे और एक अभी ऐसा समय चल रहा है कि बच्चों का रिजल्ट खुला है, हर बच्चा जो नया चाहे वो नौकरी के लिए हो चाहे वो अदर काम के लिए है, आज रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो जुलाई का महीना होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से अधिकारी ने सब कर्मचारियों को बुलाकर, जिस अधिकारी को अपने अधिकार ज्यादा पता हो और दायित्व और जो का निर्वहन ठीक से ना करे, आपके माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि जो बच्चों को जो परेशानी हुई है वो तो एक अलग बात ही है, उसके लिए तो हम उनके साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं उस ऐसे अधिकारी जिन्होंने ऐसी तुगलकी फरमान जारी किया कि पूरे के पूरे स्टाफ को बुलाकर वहां पर जो तालाबंदी का काम किया है, निसंदेह बहुत ही गलत है और ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम आपके माध्यम से मांग करते हैं। जैसे जिस तरह से आज लगातार जो है काफी विकलांग लोग भी वहां पहुंचे थे, विकलांग के साथ साथ महिला युवती हैं, घंटों इंतजार करना पड़ा, लगभग जो है आज कार्यालय बंद था, क्या कैसे देखते हैं कि विभाग की बड़ी लापरवाही? एकदम निसंदेह, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मनेंद्रगढ़ जिला जब अविभाजित कोरिया था सबसे जिला रोजगार कार्यालय मनेंद्रगढ़ से संचालित होता था, उसके बाद आज ही आपके माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों की जानकारी मिली कि रोजगार अधिकारी से बैकुंठपुर में कोरिया में बैठने लग गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक घटना है, ये आज तक की इतिहास की पहली ऐसी घटना है जहां पर पूरे का पूरे बिल्कुल सुजीत, यानी कि तमाम जो अव्यवस्थाएं एक कलेक्ट्रेट भवन से चंद कदमों की दूरी पर देखी जाती है, तमाम जिम्मेदार अधिकारी यहां से निकलते हैं, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि आखिरकार रोजगार कार्यालय में ताला क्यों लटका रहता है? ये एक बहुत बड़ी लापरवाही, युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कहेंगे। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।